पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र के प्राण कहे जाते हैं। मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता के पुरोधा बने और देशभक्ति की अलख जगाने वाली कविताएं जिन्होंने लिखी, इसी धरती पर मध्य प्रदेश की हरिशंकर परसाई के लिखे व्यंगों ने समाज को आईना दिखाया। जिस धरती पर जन्मे प्रभास जोशी, पत्रकारिता को नई भाषा दी, जहां के बेटे वेद प्रताप वैदिक ने हिंदी को नई स्वीकारिता दी, उस धरती पर आज राज मीडिया सेंटर का भूमि पूजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का कठिन परिश्रम, पहाड़ सा हौसला और नदी सी विनम्रता, ज्ञान और गंभीरता देखी है। आज सिर्फ मीडिया सेंटर का भूमि पूजन नहीं हो रहा, बल्कि भविष्य के ऐसे वट वृक्ष का बीज रोप रहा हूं जिसमें अनुभव की शाखाओं पर अनंत आशाएं साकार होंगी। और दो चीजें और मेरे मन में आई है, एक प्रदेश में महिला कल्याण और विकास पर अध्ययन करने एवं फेलोशिप के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप दी जाएगी, हम ये फैसला कर रहे हैं। और दो चीजें मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे हैं, पीड़ा देखी है, तकलीफें देखी है। रघुवन रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे अखबार को विज्ञापन देने की व्यवस्था की जाएगी, इसको हम लागू करेंगे, क्योंकि छोटे अखबारों का अलग महत्व है, उनको पन्नों वाला अखबार कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरे 70 साल से ज्यादा जिन वरिष्ठ पत्रकारों की उम्र है उनको परमानेंट स्थायी अधिमान्यता का कार्ड दिया जाएगा। एक बार मित्रों, मैं हृदय के भावों से, मैं शब्दों से नहीं, मैं तो संवेदनशील व्यक्ति हूं, मैं हृदय से बोल रहा हूं, मैं हृदय के भावों से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के योगदान में, मध्य प्रदेश के विकास में आपके योगदान को स्वीकार करता हूं, और मध्य प्रदेश को बढ़ाने में हमेशा मिलके हम आगे प्रदेश को बढ़ाते रहें, इसका आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। स्टेट मीडिया सेंटर के शुभारंभ के दौरान कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की और कहा कि आने वाले समय के लिए यह अच्छी पहल है। आपको बता दें, स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज था, जहां पर कई वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। आइए हम आपसे उनकी बात करवाते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आपका सम्मान किया गया आज, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, ये अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छी पहल है, क्योंकि लंबे समय से भोपाल में डिमांड चल रही थी कि हम लोगों का पत्रकार भरण दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराया जाए, तो आज शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा भवन यहाँ बनेगा जिसमें पत्रकारों को अपनी एक्टिविटीज़ को संचालित करने का अवसर मिलेगा, और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आपका परिचय? अंजनी कुमार शास्त्री, रीवा से जी। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा है और पत्रकारों के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इससे पत्रकारों को उनके जीवन में सुधार आएगा, और मैं महसूस करता हूं कि पत्रकारिता के प्रति नई पीढ़ी उत्सुक होगी और काम करेगी। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ स्टेट मीडिया सेंटर में। सर आप बताइए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर एक साल में 5 महिलाओं को क्या दिया जाएगा उसके बारे में फेलोशिप, तो फेलोशिप किस आधार पर दी जाएगी? इसका दिशा निर्देश माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, जो हमारा परिसर है, विश्वविद्यालय है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी और उसका वो गाइडलाइन बनाएंगे। उस गाइडलाइन के हिसाब से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो एलिजिबल लोग हैं उनसे शुरुआत होगी, और फिर धीरे धीरे
लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग उसके लिए ऑप्ट करेंगे और अपने पत्रकारिता को निखारने में उनको मदद मिलेगी। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से पत्रकार समूह उमड़ा है, उनके खुशी को देख के आज के कार्यक्रम को कहा जा सकता है कि बहुत सफल है। वास्तव में ये पत्रकार भवन तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर रहा है, बहुत पुरानी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन जर्जर हालत में था। अब वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए अति आधुनिक मीडिया सेंटर, जिसमें ऑडिटोरियम भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हॉल भी हो, तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं वहां पर हों, उससे समाहित करते हुए लगभग 30 करोड़ की भव्य बिल्डिंग जो बनेगी, उससे पत्रकारों को काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद। तो स्टेट मीडिया सेंटर से मैं कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी से।